नमस्कार, मैं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है दिल्ली की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, नागलोई इलाके में नौकरी की तलाश में दिल्ली आए एक युवक से बदमाशों ने लूटपाट का प्रयास किया। विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू से युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान गांव सुजानपुर औरैया यूपी निवासी विवेक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पुलिस ने आरोपी की पहचान कर वारदात में शामिल तीन नाबालिगों को पकड़ लिया है। दूसरी खबर की ओर चलते बता दें, राम मंदिर का विरोध करने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरैया अय्यर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील और भाजपा नेता संजय अग्रवाल ने दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच के समक्ष दर्ज शिकायत के साथ सुरैया की तरफ से 20 जनवरी को पोस्ट वीडियो का लिंक भी दिया गया है। तीसरी खबर की ओर चलते बता दें, भारतीय जनता पार्टी पर आप विधायकों की खरीद फरोख के आरोप लगाने के मामले में शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम के नोटिस का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जवाब दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली मंत्री आतिशी भी समन का जवाब दे सकती हैं। नोटिस के जवाब देने के समय सीमा आज खत्म हो रही है। चौथी खबर की ओर चलते बता दें, ग्रेटर नोएडा में कुत्ते के बच्चे को ऊंची इमारत से फेंकने पर बच्चे के खिलाफ दर्ज केस के विरोध में ग्रेनो वेस्ट की गोल्ड सिटी 2 सोसाइटी में रविवार को हंगामा हुआ। लोगों ने केस में बच्चे का नाम होने का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। एडीसीपी हृदेश कठेरियान ने कहा कि केस अज्ञात अभिभावक पर दर्ज किया गया है। 9 साल के बच्चे ने ऊंचाई से पपी को फेंका था जिससे उसकी मौत हो गई थी। वीडियो वायरल होने पर बिसरक कोतवाली में शिकायत दी गई थी। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 22 फरवरी 2024 के लिए बढ़ा दी है। बीते सप्ताह मनीष सिसोदिया ने अदालत दिल्ली कोर्ट से नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। अदालत ने सिसोदिया की पैरोल की अर्जी का जांच एजेंसी ने विरोध किया। उसके बाद अदालत ने सिसोदिया की कस्टडी बढ़ा दी। ऐसी ही दिल्ली की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे पब्लिकेशन न्यूज से। नमस्कार।